डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखिए एसिड्स जो क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले क्लासिफाई किया जाता है एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, ऐसे ही बेस को भी क्लासिफाई किया जाता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्लीटली एक्सटेंड हो जाते हैं, यानी कि कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी वजह से इनसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। दूसरे होते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, CH3COOH और H2CO3 या फिर HF या H3PO4, ये सारे वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स क्या होते हैं कि जब हम इसे डिजोल्व करते हैं तो ये क्या होते हैं, स्मॉल एक्सटेंड होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस इसमें से निकलते हैं, तो ये क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। तो जैसे एसिड्स होते हैं वैसे ही हमारे बेसिस भी होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि KaNaOH और KOH, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली ब्रेक होके जिसमें OH नेगेटिव आयंस एक्सटेंड होते हैं, निकलते हैं, जबकि जो वीक बेस होते हैं जैसे कि CaOH2, NH4OH, ये वीक बेस होते हैं जो कि स्मॉल एक्सटेंड होते हैं, जैसे कि जिसमें कम OH नेगेटिव आयंस निकलते हैं, उन्हें वीक बेसिस कहा जाता है। तो ये होते हैं हमारे एसिड्स और बेसिस जो हम क्लासिफाई करते हैं। अगर हम इनका डिसोसिएशन देखें, अगर बात करें वीक एसिड्स और वीक बेसिस के बारे में, वीक एसिड जो कि CH3COOH, अगर इसे पानी में यानी वाटर में डालते हैं तो H3O पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयंस निकलेंगे और CH3COOH नेगेटिव आयंस इसमें से प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही अगर वीक बेस की बात करें तो NH3, अगर NH3 को वाटर में डालते हैं तो NH4 पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस निकलते हैं, तो ये स्मॉल एक्सटेंट होते हैं। तो अगर हम वीक एसिड और वीक बेस की बात कर रहे हैं तो उसे हम एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कौन सी फॉर्म है, HA की फॉर्म, यानी कि हमने यहाँ पे HA मतलब कोई भी हमारे पास वीक एसिड है, HA हाइड्रोजन तो होगा, A हमारे पास वीक एसिड है, अगर उसे वाटर में डालते हैं तो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस निकलेंगे और A नेगेटिव आयंस निकलेंगे। हमने इसको नॉर्मली एज्यूम किया है कि हमने एसिटिक एसिड की जगह HA ले लिया है, तो हाइड्रोनियम आयंस और A नेगेटिव आयंस निकलेंगे। तो अगर इसमें यहाँ पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ अप्लाई करें, केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ जिसमें के कांस्टेंट होता है, जो इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है, ए नेगेटिव HCO पॉजिटिव अपॉन HA H2O, यही है। अब H2O क्या है, H2O एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब कि जिसमें हमने एसिड को डिसॉल्व किया है, तो H2O वाटर एक सॉल्वेंट है, तो इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होगी, लार्ज होगी, तो इसी वजह से हम इसे कांस्टेंट रखेंगे। इसी कंसेंट्रेशन 555.5 मोल पर लीटर होती है, तो जो के H2O होता है इसको हम Ka के इक्वल पुट करते हैं, के H2O को हम यानी कि हम इसको इधर ले जाएं तो के H2O बन जाएगा, तो उसे Ka के इक्वल हम यानी कि के H2O को हम Ka के इक्वल पुट कर देंगे, जिसे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा जाता है। तो हमने अपनी पहले वाली इक्वेशन में क्या किया था, के H2O को Ka के इक्वल पुट कर दिया, कि H2O कांस्टेंट था, तो K इज इक्वल टू A नेगेटिव HCO पॉजिटिव अपॉन HA हमारे पास रह जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम फिर से रीराइट करें, यानी कि फिर से अगर हम राइट करें तो यानी अगर हमने यहाँ पे H2O की जगह हम एक्वस भी ले सकते हैं, HA प्लस H2O किया था हमने, यहाँ पे हमने AQ यानी एक्वस ले लिया, तो ये क्या होगा, H पॉजिटिव और A नेगेटिव में ब्रेक होगा, तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, यानी कि Ka के इक्वल ही होगा ना, Ka इज इक्वल टू A नेगेटिव एच पॉजिटिव या फिर एच पॉजिटिव A नेगेटिव भी लिख सकते हो अपॉन HA, यही रहेगा। अब देखिए जो वैल्यू है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होती है एसिड्स की, Ka है, तो इसमें अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि एक वीक एसिड है और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो C है, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है फिलहाल C है, C कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और इस टाइम पे यानी कि अभी हमने इसे कोई प्रोसेस नहीं हुआ है इसमें, तो H पॉजिटिव आयंस जीरो होंगे और जो A नेगेटिव जो भी बन रहे हैं वो भी जीरो होंगे,
लेकिन नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, कंसंट्रेशन जो होगी हमारे उसमें इक्विलिब्रियम आए, यानी कि उसमें वर्क होना स्टार्ट हो गया, तो C माइनस एक्स हो जाएगा, इसमें से कम होगी तभी तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक्स एम यानी एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव को हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया जो कि बन रहे हैं। तो जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है यानी कि के है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है, वो किसके इज इक्वल टू आएगा, एक्स इंटू एक्स यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था ना, तो एक्स इंटू एक्स अपॉन सी माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब जो एक्स है बहुत ही स्मॉल है इस कंडीशन में, फर्स्ट यानी कि जब इक्वली जब ये प्रोसेस हो रहा है तो फिलहाल एक्स जो है बहुत ही स्मॉल है, अगर ये बहुत स्मॉल है तो हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने क्या किया इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगी, ठीक है ना, हमने इस एक्स को नेगलेक्ट कर दिया, ये एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स है ना, इस एक्स को नेगलेक्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन सी आ गई, तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इस एक्स की, एक्स इज इक्वल टू ये स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा के ए इंटू सी के इक्वल आ जाएगा। अब एक और चीज, हमने यहाँ पे x की वैल्यू जीरो ली है, नेगलेक्ट किया है x को, यहाँ पे इस x को यानी इस x को नेगलेक्ट किया है, क्यों किया है, क्योंकि हमने क्या है, हमने हमारे अकॉर्डिंग अभी x की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, लेकिन हम कौन सी कंडीशन में x को नेगलेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम जो हमारे पास x की वैल्यू है अगर 5% से ज्यादा बढ़ जाती है तो हम इस x को नेगलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब हम इस x को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम तब हम इसे वैसे हम इसे नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ये वीक एसिड के केस में हुआ, अगर हम डिसोसिएशन वीक बेस के केस में करें और इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करें तो वीक बेस के केस में भी बी ओ एच आ जाएगा, जिसे बी पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में ये ब्रेक होगा, तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या होगा वीक बेस का, वीक एसिड के केस में के ए लिया था, वीक बेस के केस में के बी लेंगे, जो इज इक्वल टू होगा बी पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव अपॉन बी ओ एच के। तो ये जो है डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन होती है एसिड और बेसिस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।